सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। नाइन्थ क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 44। एक सम द्विबाहु त्रिभुज बनाओ जिसकी ऊंचाई h और शीर्ष कोण FEG दिया है। तो सबसे पहले जो मैं दिया है हम वो ले लेते हैं, हमें एक दे रखी है ऊंचाई, तो हम ऊंचाई ले लेते हैं h, कि आपकी ऊंचाई है h, और एक आपको कोण दे रखा है FEG, तो मैं यहाँ पे कोण ले लेता हूँ। पहले मैं लाइन ले लेता हूँ इस तरह से, और इस पे मैं चाप लगा देता हूँ। इस तरह से और इतना मैं कोण यहाँ पे बना देता हूँ। इस तरह से और इसका हम नाम दे देते हैं ई, ये आपका एफ और जी। तो एफ ई जी ये हमारा कोण बन गया है, और इसी के बराबर हमने कोण नीचे बनाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने ये जो आपका कोण है इसका हमने समद्विभाजन करना है, इसका आधा करना है हमने। इस तरह से, और जहां पे ये इसका आधा आ रहा है यहां पे इसको हम मिला देंगे ई के साथ, इसको भी हम डॉटेड मिला देते हैं इस तरह से, और इस रेखा का नाम हम लेते हैं एच। ये आपके पास आ गया है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले हमें एच रेखा दी हुई है, मीन्स ऊंचाई है, ये ऊंचाई जितनी है इतनी हम यहाँ पे एक ऊंचाई पहले ले लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये डॉटेड लाइन हम लगा देंगे इस तरह से, हम जितना आपका एच है इतनी प्रकार खोल देंगे, आप देख सकते हैं, और हम इतनी जो है वो यहाँ पे निशान लगा देंगे, ये आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी हमारी लाइन कम है, तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इस तरह से। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं इसका डी, और यहाँ हम नाम दे देंगे ए। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो आपका डी पॉइंट है, डी पॉइंट पर हमने यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाना है, और 90 डिग्री का कोण आपको सबको आता है बनाना, ये समझाने की जरूरत नहीं है, तो आप बस देखते रहिए कहाँ कहाँ मैं चापे लगा रहा हूँ। वैसे तो आपको सबको 90 डिग्री का कोण बनाना आता है, फिर भी जिनको नहीं आता है वो देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से चापे लग रही हैं इस तरह से। टाइम कुछ नहीं लगता, 90 डिग्री का कोण बड़े जल्दी बन गया हमारा। अब यहाँ से हमने डॉटेड लाइन नहीं लगानी है, हमने हल्की लाइन लगानी है, क्योंकि बाद में ये लाइन डार्क होनी है, तो हम यहाँ पे हल्की लाइन लगा देते हैं इस तरह से। ये हमने हल्की, बिल्कुल हल्की लाइन मैंने लगा दी है। अब हमने क्या करना है, जितना हमारे पास ये कोण बन रहा है यहाँ पे, ये जो आपका कोण है ये कोण है, इतनी प्रकार खोल के हमने यहाँ से चाप लगा इस तरह से, हम डॉटेड चाप लगाएंगे, आप देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो आपका बीच का पॉइंट है यहाँ से प्रकार खोलो, और देखो इधर भी इतना ही होगा, इधर भी इतना ही होगा, बिल्कुल ये बराबर है यहाँ पे। तो हमने क्या करना है, यहाँ से इधर भी हम काट देते हैं, और यहाँ से इधर भी हम काट देंगे, और अब हमने क्या करना है, जहां जहां हमारी दो चापे आई है इन चापों को हमने ए के साथ मिला देना यहां पे,
ये हमने मिला दिया, इसको हम आगे को बढ़ा देंगे, तो ये नीचे जो हमने रेखा ली थी 90 डिग्री वाली यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पॉइंट का नाम हम दे देते हैं सी। और अब हमने क्या करना है, ये आपका पॉइंट है, इसको भी आपने हमने यहाँ पे इस चाप के साथ मिला देना और आगे बढ़ा देना। ये आप देखिए जहाँ पे यहाँ आ रहा है ये आपका बन गया है बी। और अब हमने क्या करना है, बी और जो सी आपका है इसको भी हमने डार्क बनाया मिला देना इस तरह से। अब आपके पास जो ये लाइन है आप चाहो तो इसको मिटा भी सकते हैं, नहीं चाहो तो नहीं भी मिटा सकते, क्योंकि ये हल्की लाइन है तो इसलिए इसका कोई औचित्य नहीं है, इससे आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। इतना जो आपका कार्य है ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ आप लिख सकते हैं कि हमारी एच है, जो आपने ये एच लिया था ये आपका एच है, और ये आपका प्रश्न नंबर है 44, ये आपका बन के तैयार। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 45। एक विषबाहु त्रिभुज बनाओ जिसकी तीन भुजाएं ए बी सी डी है। तो एक विषम बाहु त्रिभुज है, उसकी तीन भुजाएं दे रखी है। सबसे पहले हम तीन भुजाएं ले लेते हैं यहाँ पे, ये हमने बहुत हल्की लेनी है भुजाएं, ये हम एक भुजा ले लेते हैं और ये हम ले लेते हैं भुजा नंबर दो, एक हम लेंगे भुजा नंबर तीन, ये इससे और छोटी ले लेंगे क्योंकि विषम बाहु है। तो ये हम ए बी सी इस तरह से हमने ये तीन भुजाएं ले ली है। अब हमने क्या करना है, हमने पास जो ए भुजा है इतनी हमने जो है वो प्रकार खोलनी है ए भुजा के बराबर। ये जो भुजा हम लेंगे इसको लेंगे हम आधार के लिए, ये हम ले रहे हैं यहाँ से, ये आप देख सकते हैं इतनी प्रकार हमने खोल दी है। यहाँ हम जो है वो निशान लगा देते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने निशान लगा दिया है, इसको हम यहाँ पे मिला देते हैं। ये आप देख सकते हैं किसका नाम हम दे देते हैं ए और बी, और यहाँ हम लिख भी देंगे इसमें कि ये ए है। अब हमने क्या करना है, जितना आपका बी है इतनी प्रकार हम यहाँ से खोल देंगे, ये आप देख सकते हैं ये बी के बराबर हमने प्रकार खोल दी है। और ए पॉइंट जो आपका है यहाँ से हम जो है वो चाप लगा देंगे इस तरह से डॉटेड। अब हमने क्या करना है, जितना आपका सी है इतनी प्रकार हम खोलेंगे, ये आप देख सकते हैं सी के बराबर हमने प्रकार यहाँ पे खोल दी है। और हम बी पॉइंट पर प्रकार रखेंगे और जो हमने ए से चाप लगाई थी उस चाप को हम यहाँ पे काट देंगे इस तरह से। जहाँ पे ये कट रहा है इस पॉइंट का नाम हम दे देंगे सी। और हमने क्या करना है, सी से हमने बी को मिला देना, ये हम इसको डार्क मिलाएंगे क्योंकि ये आपकी फाइनल है आंसर रेखा है। और इसी तरह से हमने ए और सी को भी आपस में मिला देना है यहाँ से, ये आप देख सकते हैं इस तरह से हम इसको मिला देंगे। यहाँ भी हम लिख सकते हैं इस पे ये हमारी बी रेखा है, और यहाँ भी हम लिख देंगे कि ये हमारी सी रेखा है। अब हमने ए और बी को भी डार्क बना देना है इस तरह से, ये आप देख सकते हैं ये प्रश्न नंबर आपका है 45।